फ्रेंड दिस विष्णु मैसिंग वेलकम्स यू ऑल इन एडमिशन मीडिया। आई एम श्योर नीट पीजी के शेड्यूल आने के बाद काफी सारे एस्पिरेंट्स के साथ काफी सारे डॉक्टर्स के पेरेंट्स को भी ये क्वेश्चन आ रहा है। इवन मेरे व्हाट्सएप की चैट टोटली इस चीज से फिल्ड है कि सर सीपीएस का क्या मतलब, कि सर सीपीएस की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आने वाला है, प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा और ये एग्जैक्टली सीपीएस है क्या। CPS क्या है उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपनी कुछ वीडियोस बना रखी हैं। इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं, NCI रिकॉग्नाइज कोर्सेज क्या है, बाकी चीजों की कंप्लीट डिटेल आपको हमारी चैनल के वीडियोस में मिल जाएगी। हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखा है CPS मुंबई के नाम से, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है और आप इंटरेस्टेड हो CPS के जानने के बारे में कि CPS क्या होता है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, राउंड कट ऑफ का क्या होता है, ये सारी चीजें आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, उस प्लेलिस्ट को देखें। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CPS की एडमिशन्स के लिए क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग फॉर्म कब आएगा और मेनली कब आता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप CPS और FCPS के लिए एडमिशन देख रहे हो तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे चैट करके हमें कॉल करके भी बात कर सकते हो। अवर नंबर 9545955519 और हमारी वेबसाइट cpsadmission.in पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन वहां से गेन कर सकते हो। अगर मैं CPS FCPS की बात करूं तो मेनली यहां पे टोटल 9 कोर्सेज ऐसे हैं विच आर MCI रिकॉग्नाइज, मतलब कि आप इनको प्रैक्टिस करते हो तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर मैं इन कोर्सेज के नाम की बात करूं तो FCPS दैट इज फेलोशिप, ये आपका 3 ईयर का प्रोग्राम है। इसके अंदर आपके जो ब्रांचेस हैं FCPS मेडिसिन, FCPS गायनी, FCPS सर्जरी, FCPS ऑप्थल, FCPS डर्मा एंड FCPS पैथो, ये आपके 6 ऐसे ब्रांचेस हैं विच आर MCI रिकॉग्नाइज्ड। वहीं अगर मैं CPS की बात करूं तो DGO डेट इज डिप्लोमा इन गायनी, DCS डेट इज डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, DPB यानी कि डिप्लोमा इन पैथोलॉजी, ये आपके MCI रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेस हैं। अब मैं बात करूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म और काउंसलिंग चीज की प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी। देखिए मेनली CPS बॉडी की जो काउंसलिंग और जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो तभी स्टार्ट की जाती है जब नीट PG की सारी चीजें ऑलमोस्ट एंड होने वाली हो। मतलब कि लास्ट ईयर के बाद अकॉर्डिंग में बात करूं तो नीट CPS की काउंसलिंग तभी स्टार्ट की जाती थी जब नीट PG का राउंड 2 ओवर हो जाता था। बट फ्रॉम दिस ईयर CPS की बॉडी तभी अपनी काउंसलिंग फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज करेगी जब आपका रिवाइज कट ऑफ आ गया रहेगा। रिवाइज कट ऑफ के लिए भी मैं बता दूं कि मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड कर दी है, काफी सारे वीडियोस भी मैंने उसमें बना रखे हैं, प्लस हमारी एक और लेटेस्ट वीडियो भी आ रही है। तो अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो मैं फ्लेयर हर वीडियो में मैं लगा के चलता हूं कितना आने के चांसेस है, उसके मैं प्रॉपर रीजंस वहां पे दे रहा हूं, प्रॉपर चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो उस वीडियो को भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आप वो वीडियो देख सकें। बट अगर मैं CPS काउंसलिंग और प्रोसेस की बात करूं तो आप मान के चलो एक बार रिवाइज कट ऑफ आने के बाद ही CPS बॉडी अपने फॉर्म्स रिलीज करेगी, प्रोसेस रिलीज करेगी, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएंगे कि सीट मैट्रिक्स आएगी। और अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो जैसे कि आपका नीट PG की काउंसलिंग होती है, सेम CPS बॉडी की सेपरेट काउंसलिंग होती है, जैसे कि लास्ट ईयर आपका DNB का काउंसलिंग होता था। इनके लिए भी अगेन 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, एंड जब सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो CPS के अंदर भी अपना खुद का कट ऑफ आता है। मेनली ये देखा गया कि कभी कभी ये मॉपअप राउंड में आता है या सेकेंड राउंड के बाद भी आपका रिवाइज कट ऑफ आता है CPS के लिए भी, जो CPS बॉडी खुद से रिलीज करती है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप CPS और FCPS के लिए एडमिशन देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू कॉन्टेक्ट अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।